मैंने क्यों बोल दो एग्जाम्पल स्थिति होता ही है कि ड्राइवर जिस दिन ये समझता है कि मैं हो गया हूं अकेले कोई मिसाल देता हूं मैं गाड़ी चला रहा हूं अभी नई गाड़ी चलाना सीखी 1.5-2 महीने हो गए सही चला लेता हूं मगर अभी जरा सा कच्चा है अब मेरे मैं टॉप लेन पे चल रहा हूं मेरे आगे एक गाड़ी चल रही 60-65 की स्पीड पे गाड़ी ये पुरानी मेरी जरा नई गाड़ी अब चांसेस ये हैं कि मैंने अभी नई गाड़ी चलाना सीखी है तो चांसेस ये हैं कि मैं सोचूं ना कि यार इसके पीछे बस रूम करके चलते रहो इधर उधर जाओगे गाड़ी ना लग जाए इधर एंटी करके लेकिन जो ड्राइवर होगा जो दिन भर ये चलाता है उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि इसके आगे पूरी रोड खाली पड़ी है और मैं इसके पीछे रूम करके चलता वो एक मिनट में एंटी करके देगा इधर आएगा वापस गया ये जाओ ऐसे जब वो इधर आएगा और वापस जाएगा इन्हीं दो चीजों के दरमियान तो एक्सीडेंट होने के चांसेस समझ रहे हैं आप वो हरकत करेंगे जब भी तो स्विमर कूदा उसने कहा अरे यार बचपन से ना रहा समंदर में समंदर किसी को देखता है बड़े बड़े बहरी जहाज को एक मिनट में पटक के इधर तो आदमी क्या चीज है एक मिनट में वो रोल होता है भवन में गया खत्म सारी स्विमिंग विमिंग खत्म कुदरत से कोई लड़ सकता है आज तक तो हम भी अपनी जिंदगी के कामों में जब ये समझने लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा आप यकीन करें उसी दिन कुछ हो जाएगा जब ड्राइवर ये समझता है कि हाँ यार 10 बार तो ऐसे आगे से वापस आया हूं इसे क्या फर्क पड़ता उसी दिन अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम ये समझते हैं यार इससे क्या फर्क पड़ता है इससे आपके मजमूई इमेज पे फर्क पड़ रहा है इसका इसका क्रैक हो रहा है चिटक रहे हैं आप अंदर से किरदार जो है आपका वो चिटक रहा है वो शाइनिंग खत्म हो रही है जो कुदरत ने आपके ऊपर कुदरत के बाद आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कोटिंग की है तरबियत की जिसे कहते हैं कवर चढ़ाया आपके ऊपर वो चिटक रहा है वो इसलिए चिटक रहा है कि आप उसकी पॉलिश तो कर ही नहीं रहे ना जो बचपन में एक दफा वही बात हो गई दोबारा घूम फिर के आ गई कि जो यूनिफॉर्म सुबह पहनी थी वही दिन भर ऐसी घूम रहे हैं सुबह तो धुली भी पहनी थी ना तो अगर वो क्रैकिंग खत्म नहीं करोगे आप घड़ी घड़ी वॉशरूम जाके दोबारा सेट नहीं करोगे जूतों पे कपड़ा नहीं मारोगे तो चमकते हुए शाम तक कैसे नजर आओगे तो किरदार की पॉलिश नहीं करोगे तो जिंदगी के एंड में बद किरदार हो समझे आप मेरी बात